चला स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 33 आपका न्यू वीडियो में स्वागत है। मैं शंकर प्रजापति, आदर्श क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लोग जो है सेक्शन सी सैंपल पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करने जा रहे हैं। और जिस तरह आप लोगों ने मेरे सभी वीडियो को देखा है और लाइक किया है, अगर आपको मेरे वीडियो सब पसंद आते हैं तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो आइए देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में। x का वैल्यू निकालना है ना, x माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस वन अपॉन x माइनस वन इज इक्वल टू टू। देखिए ये दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल क्या है कि इसका न्यूमरेटर यहाँ है और इसका डिनोमिनेटर यहाँ है, यानी कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो हमको गिवन क्या है, पहले वो लिख लेते हैं, बहुत सिंपल सा सॉल्व हो जाएगा। ये लिखा हुआ कि x माइनस वन टू एक्स प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस वन और x माइनस वन इज इक्वल टू टू। लेट कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों दूसरे को उल्टा है ना, ये इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर बन गया है, इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर बन गया, यानी कि अगर एक को y लिखेंगे तो दूसरा वन अपॉन y हो जाएगा। तो लेट कर लेते हैं, x माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वाई, दिस इम्प्लाइज टू एक्स प्लस वन और x माइनस वाई अपॉन इज इक्वल टू वन अपॉन वाई। तो इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो जाएगा y और ये जाएगा वन अपॉन वाई इज इक्वल टू टू। और इसको सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू वाई, और इसको सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये हमारे पास होल स्क्वायर बन गया, वन माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वाई इज इक्वल टू वन। यहाँ पर वाई का वैल्यू वन आया, आंसर का वैल्यू एक्स का वैल्यू वन नहीं है, वाई का वैल्यू वन है, तो इसको हमको कंसिडर करना होगा। और y इज इक्वल टू हमने क्या लेट किया, हमने लेट किया है x माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस वन। तो पुट कर देते हैं x माइनस वन टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन, तो x माइनस वन इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, इसको उधर लेकर के आ जाइए माइनस x इधर आ जाएगा तो वन और वन के नौ जाएगा टू, तो कुल मिलाकर के x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस टू। तो ये एक रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया, दिस इज द आंसर और दिस क्वेश्चन। देखिए कितना इजी था, बहुत सिंपल था। ठीक है, आप जैसे मैंने पैटर्न खोजा, आप डायरेक्ट भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके भी बना सकते थे, लेकिन ये था कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पर पैटर्न देखा। तो जब भी आपको ऐसा पैटर्न अगर नजर आ जाए तो आप सब्स्टिट्यूट करके बना सकते हैं, आपका आंसर कहीं गलत नहीं होगा। यहाँ तक कि ये जरूर हो सकता है कि आपका टाइम थोड़ा सा बच जाए। ठीक है, तो आइए चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 34। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या लिखा हुआ। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 3 एंड द लास्ट टर्म इज 83। फर्स्ट टर्म में 3, लास्ट टर्म में 83 एंड द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 903। अच्छा, सभी टर्म का सम 903 है, तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, यानी एन का वैल्यू निकालना और डी का वैल्यू निकालना। गिवन क्या क्या है वो लिख देते हैं पहले, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है तो फर्स्ट टर्म है ए, इसकी वैल्यू है 3। लास्ट टर्म दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं ए एन, कितना दिया हुआ है 83। ठीक है, और सम ऑफ ऑल टर्म्स दिया हुआ है, यानी कि एस एन की वैल्यू गिवन है 903। तो टू फाइंड, हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है ना, एक तो एन निकालनी है और दूसरा निकालना है टी, ये दो चीजें अननोन है जिसको हमको फाइंड आउट करना है। तो हमको जो गिवन है उसी से यूज कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि एस एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा 903 इज इक्वल टू एन बाई टू, ए की वैल्यू है 3 और लास्ट टर्म है 83। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 903 एन बाई टू, सबको ऐड कर दीजिए तो 3 और 3 6 यानी कि 86। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे
903 इज इक्वल टू एन बाई टू, इस 86 का आधा है ना, 86 का आधा लिख देते हैं डायरेक्ट, कितना आ जाएगा 86 का आधा है ना 43। देखिए ठीक है, 43 को 2 से मल्टीप्लाई 86 आ जाएगा, 43 डिवाइड में जाएगा तो 903 डिवाइडेड बाय 43 इज इक्वल टू एन, कितनी बार में कटेगा ये ठीक है। देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर है ना, 3 किससे मल्टीप्लाई करने पर 11 से, 11 से कट जाएगा। अच्छा 11 से मल्टीप्लाई करो तो 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 11 3 जा 33, 11 4 जा है ना 44, तो ये जाएगा 3, ये जाएगा 7, नहीं आया ठीक है। तो कितनी बार बन जाएगा, इसको डिवाइड दे देते हैं, डिवाइड देके बनाते हैं तो इजीली बन जाएगा ठीक है। तो देखिए 43 से डिवाइड देते हैं 903 को, 45 का डबल 90 होता है तो ये दो बार में चला जाएगा 86 ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा 4 और यहाँ जाएगा 3 यानी कि 21। तो हमारे पास n की वैल्यू जो है वो 21 आ गई, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी इज 21। जो n तो निकल गया, लास्ट टर्म था या 83 यानी लास्ट टर्म मतलब 21 टर्म यानी 821 इज इक्वल टू 83 गिवन था ठीक। ए 21 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 21 माइनस डी इज इक्वल टू 83। ए की वैल्यू कितनी थी 3, तो ए की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई डी 83, ये 3 उधर जाएगा तो 20 मल्टीप्लाई डी 83 माइनस 3 तो हो जाएगा 20 डी, ये हो जाएगा आपके पास 80 तो डी का वैल्यू हो जाएगा 80 अपॉन 20, 0 0 कटेगा तो आंसर आ जाएगा 4। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज 4, कॉमन डिफरेंस आया 4, नंबर ऑफ टर्म्स आया 21। बहुत सिंपल था, कुछ करना नहीं था, सॉल्व सिर्फ फार्मूला पुट करना था और सॉल्व करना था बस। चलिए तो यहाँ पर हमारा सेक्शन सी फिनिश्ड हुआ, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेक्शन डी के ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है तो आप उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ठीक है, और मेरा देखते रहिए आदर्स क्लासेस और अपने चारों तरफ साफ सफाई को बना करके रखिए, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट बनाने में उसकी हेल्प कीजिए ठीक है। अगर एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन रहेगा तो हम और आप सब स्वस्थ रहेंगे और अच्छे से रहेंगे ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।